सभी को जय यीशु। मेरा नाम अदिति डैनियल है और मैं सेक्रेड हार्ट पैरिश सीतापुर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं पवित्र बाइबल से पाप और पश्चाताप का वचन आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि वचन हमें बताता है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने धरती और आकाश बनाया, पशु पक्षी बनाए, दिन और रात बनाया, जीव जंतु बनाए और अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य का अकेलापन परमेश्वर को भाया नहीं, परमेश्वर ने उसकी पसली से स्त्री को बनाया और उनका नाम आदम और हेवा रखा। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि इस वाटिका के बीचों बीच वृक्ष का फल मत खाना, परंतु हेवा ने परमेश्वर की इसी आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने उस वृक्ष का फल खाया और आदम को भी खिलाया और वे पाप के भागीदार हुए। और आज हम सब पापी हैं, पाप के भागीदार हैं। जिस प्रकार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21 में लिखा है, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। जी हाँ, हम सब बचपन से बुराई की ओर झुके हुए हैं। स्रोत ग्रंथ पद संख्या 7 अध्याय 51 में लिखा है, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। जी हाँ, हम सब अपने माता के गर्भ से पापी हैं। पूरी मनुष्य जाति पापी है, आप पापी हैं, हम पापी हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, जिसको उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया ताकि हम इस पाप से मुक्ति पा सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बड़े बड़े महान कार्य बाइबल में देखते हैं। बाइबल में वचन हमें बताता है कि किस प्रकार निनवे के लोग जो पाप में डूबे हुए थे, वे परमेश्वर की विपत्ति उन पर टूटने वाली थी, परंतु वे पश्चाताप, उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को देखकर उन पर जो विपत्ति वो डालने वाला था उसको टाल दिया। और इसी प्रकार वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु के क्रूस के पास जो डाकू टंगा था, उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, अपने राज में तू मुझे याद करना। प्रभु ने उससे कहा, उसके पश्चातापी हृदय को देखा और उससे कहा कि तू मेरे साथ आज ही मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको अपने वचन से यही बताना चाहती हूँ कि हम अपने पापों को स्वीकार करें। हमारे आसपास जो स्थिति है, जो आजकल जो स्थिति हमारे चारों ओर है, उसको वो हमारे पाप का कारण है। तो हम अपने पापों को स्वीकार करें, उसका प्रायश्चित करें, अपने हृदय को खोले परमेश्वर के सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु महान परमेश्वर है जो हमारे पापों को हमसे मुक्त करता है। और हम प्रायश्चित करें अपने परमेश्वर से अपने पापों की माफी।